हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट साइंस एग्जाम में केमिस्ट्री रिलेटेड 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके अपकमिंग साइंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट फर्स्ट मैंने हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट साइंस एग्जाम में डाल रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको आसानी से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे और उनसे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इनको पूरा देखेंगे और उनसे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो आंसर है वो आपका किसने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था, और कितने में दिया था, तो आपका 1923 में दिया था। और फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि जो आधुनिक आवर्त नियम था वो किसने दिया था, तो फ्रेंड्स वो दिया था आपका हेनरी मोजले ने दिया था। और हेनरी मोजले का जो पूरा नाम था वो था आपका हेनरी गोविंद जेफरी मोजले था। और जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी थी फ्रेंड्स, ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी सन 1893, और वो जो आपका किसके द्वारा, रैंक के द्वारा, और वर्नर के द्वारा 1905 में अपना योगदान दिया था, और बोहर के द्वारा, ठीक है, जो बोहर का परमाणु मॉडल है उनके द्वारा 1913 और 1921 में, ठीक है, 1913 और 1921 के बीच क्या किया था, बोहर के द्वारा काम किया गया था आवर्त सारणी को लेकर। तो उनके द्वारा जो भी आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या थे, तत्व रखे गए थे आपका आवर्त सारणी में, तो उसको बताया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारी आधुनिक आवर्त सारणी को। तो फ्रेंड्स, ये है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी थी वो आपका सर्वप्रथम बनके तैयार कब हुई थी, 1923 में। तो ठीक है, आपका वो किसके अनुसार दी गई थी, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। आधुनिक आवर्त नियम क्या है फ्रेंड्स, जो आपका हमारे तत्वों के क्या होंगे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे, वो उनके परमाणु क्रमांक के क्या होंगे, आपका आवर्ती फलन होते। तो आपका ये जो परमाणु क्रमांक है उसके आधार पर इनको तत्वों को इसमें रखा गया। तो जो आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1, और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है आपका, 2। तो ऐसे आपका जो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 3, और बेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो फ्रेंड्स 4 होता है। तो ऐसे करके तत्वों को क्या रखा गया, 1923 में परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको रखा गया था। तो फ्रेंड्स, इतना देखने के बाद अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है। जो अब आपका मैंने बताया, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया था, ठीक है। अब यहां पे बात आई है किसकी, परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक क्या है आपका वो देख लेते हैं। तो ये है आपका सोडियम का एलिमेंट, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है फ्रेंड, 11 होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक दिया गया वो कितना है, यहाँ पर 11 है। जो आपका परमाणु क्रमांक है वो आपका कहाँ रखा गया, यहाँ पे नीचे साइड पर रखा गया। और जो इसका जो परमाणु भार होता है सोडियम वो कितना है दिया गया फ्रेंड्स, 23। तो ऊपर पे क्या रखा जाता है आपका, परमाणु भार, ठीक है। तो जो आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या रखा गया था, तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा गया था। और फ्रेंड्स, जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोटोनों की संख्या, या हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। जो परमाणु, यानी कि अगर हम आपको क्वेश्चन आए कि जो आपका सोडियम में कितने प्रोटोन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्रेंड्स कितने होते हैं यहाँ पर, जो उसके परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है देख लिया आप, 11 है। और यहीं पर आपको क्या देख लेंगे, आपका जो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। जब आपका क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वही क्या हो जाएगी आपका, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या कितनी है, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है फ्रेंड्स उसमें जो आवर्त है वो कितनी संख्या में है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका कितने आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो आवर्त रखे गए थे वो कितने थे आपका फ्रेंड्स, 7 आवर्त, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो आवर्त की संख्या थी वो कितनी थी फ्रेंड्स, 7 थी। तो अभी हम देखते हैं जो आपका आवर्त सारणी थी उसमें जो आवर्त थे वो आपका क्या थे, ठीक है। अब ये आपका है आधुनिक आवर्त सारणी, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्व की संख्या थी वो कितनी थी आपका फ्रेंड्स, 119 थी। तो फ्रेंड्स कितने तत्व थे आपका, 1923 में जो तत्व रखे गए थे वो कितने थे,
19 और जो आधुनिक आवर्त सारणी में थी जो आवर्त है, ठीक है, जो आवर्त है। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं वो है आपका पीरियड्स, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं आपको पीरियड्स। तो फर्स्ट पीरियड क्या है आपका हाइड्रोजन यहां पर लिखा है, दूसरा ये दिखाया गया है, ठीक है, तीन फिर चार पांच छह और सात। तो टोटल जो आवर्त है वो फ्रेंड्स कितने हैं आपका, सात आवर्त है। तो आपको जो बताना है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितने आवर्त है, सात आवर्त है, जो आपका हम कहते हैं बाएं से दाएं की ओर लाइन है, ठीक है, जो बाएं से दाएं की ओर लाइन जाती है वो क्या लाइन है, कैसी कहलाती है आपका, क्षैतिज पंक्तियां कहलाती हैं। तो उन क्षैतिज पंक्तियों को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो आवर्त की संख्या थी वो कितनी थी आपका, सात आवर्त थे। और टोटल जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्व दिए गए थे वो कितने थे आपका, 119 तत्व दिए गए थे। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हमने आपका जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने देख लिया। तो एक इंपोर्टेंट फैक्ट और है कि जो आपका आवर्त कहते हैं, ठीक है, जो आवर्त है उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपका, पीरियड्स बोलते हैं। और आपको जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं आपका बाएं से दाएं की ओर जो आपको देख रहे हैं ये सारी क्या है आपका, क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते हैं आपका, हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। यानी कि आप किसे याद कर सकते हैं इसको, एच पी से याद कर सकते हैं, जो आपका एच पी से आपको याद कर लेने, ठीक है। एच मीन सी क्या है, जहां पर जितने भी क्या होंगे आपको जो पीरियड्स होंगे, ठीक है, जो आपको पी मंथ है आपका यहाँ पर पीरियड्स, ठीक है। और पीरियड किसको दिखा रहे हैं आपका, एच, एच क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो आपका एच पी से इसको याद आपको आसानी से हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, ठीक है। अब जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो सबसे बड़ा आवर्त है वो कौन बता, कौन सा है वो आपको बताना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त छह है, ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपका अभी देखा था हमने आवर्त कितने थे, सात थे, उसमें से छठा आवर्त है वो सबसे बड़ा आवर्त है। उस आवर्त में जो एलिमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आवर्त का एलिमेंट है आपका वो कितने हैं, टोटल 32 एलिमेंट दिए गए हैं। टोटल संख्या कितनी है उसमें, 32। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी में इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपका जो टोटल एलिमेंट थे, यानी कि जो आपका छठा आवर्त है फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, सिक्स्थ जो आवर्त है जिसमें कि आपका सीजियम है, बेरिलियम है, और 57 से लेकर 71 तक क्या है आपका, लेंथेनाइट से लेकर कहां तक आपका, ल्यूटेशियम तक, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्या है आपका हफेनियम और जो रेडॉन है उसमें आपका टोटल संख्या कितनी है, टोटल 32। आपको बतानी कितनी टोटल संख्या, 32। तो छठा आवर्त सबसे आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है, इसमें टोटल संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 32 है, ये आपको याद होना चाहिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। अब फ्रेंड्स पूछा गया जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें सबसे छोटा आवर्त कौन सा है। अभी पूछा गया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें सबसे छोटा आवर्त है वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका पहला आवर्त, ठीक है। उस पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, टोटल 2 आवर्त है, केवल कौन से है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं जो आवर्त है, यानी कि सबसे छोटा आवर्त कहा गया वो कौन सा कहा गया आपका, पहला आवर्त फ्रेंड्स। तो पहला आवर्त कौन सा है, ये आपका पहला आवर्त है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका यहाँ पर हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम केवल 2 ही तत्व है, इसका मतलब जो आपका जो हमारे आवर्त सारणी है उसमें सबसे छोटा आवर्त है वो कौन सा है आपका, पहला आवर्त। और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा कहेगा, छठा आवर्त। सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त, सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने देख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो टोटल समूह थे वो कितने थे फ्रेंड्स, तो वो थे आपका फ्रेंड्स टोटल 18 समूह थे। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें टोटल जो समूह दिए गए थे वो कितने थे फ्रेंड्स, 18 थे। अब हम देख लेते हैं जो 18 समूह थे वो क्या कहलाते हैं और कौन से थे, तो ये है आपका फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रुप कहे जाते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, हम समूह बोलते हैं। ये आपका देख रहे हैं एक से लेकर कहां तक आपका, 18 तक, ठीक है, जो एक से लेकर क्या है आपका टोटल 18। यानी कि अब हम कहेंगे जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें जो समूह थे वो कितने थे फ्रेंड्स, 18। तो फ्रेंड्स कितने समूह थे आपका, 18 समूह थे, ठीक है। और जो समूह बोले जाते हैं उनको हम बोलते हैं आपका ऊपर से नीचे को हम क्या बोलते हैं आपका, समूह बोलते हैं। जो ये आपका लाइनें देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो ये आपका सारे क्या बोले जाते हैं आपका, समूह। और इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं आपका कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, जी पी, आपको याद करने का तरीका ये बताते हैं, जी
आपका क्या हो जाएगा जी, और आपका ग्रुप बोलते हैं ना, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया आपका ग्रुप, इनको बोलते हैं आपका समूह, ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका जी वी, ठीक है, ग्रुप यानी कि किसके लाएंगे तो क्या आपका वर्टिकल लाइन से दर्शाया जाता है, तो इसलिए आपका इसको आपका आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारे आवर्त सारणी में टोटल जो समूह थे वो कितने थे, टोटल 18 थे, वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा तत्व कौन सा है। अब ये पता करना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसका सबसे छोटा तत्व है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपका आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा तत्व है वो कौन सा है, आपका हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का ये देख सकते हैं आसानी से फिगर दे रखा है। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसकी जो खोज की थी वो कितने में हुई थी, सन 1766 में हुई थी, और किसके द्वारा की थी फ्रेंड्स, 1766 में की थी किसके द्वारा फ्रेंड्स, हेनरी कैविंडिश के द्वारा। और जो हाइड्रोजन नाम रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था, 1883 में लेवाई सीए के द्वारा नाम रखा गया था। और फ्रेंड्स जो आपका इसके समस्थानिक होते हैं, ठीक है, कभी पूछ गया था जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम होते हैं, ड्यूट्रियम होता है, टाइट्रियम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रियम और 1H3 टाइट्रियम। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हमने इसमें देख लिए हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, आवर्त सारणी में जो गैसों की संख्या थी वो कितनी है। अब आपको बताना है जो आवर्त सारणी है उसमें गैस कितनी है वो आपको बतानी। तो आपका कितनी है टोटल संख्या, 11 है। आवर्त सारणी में गैस की संख्या है वो टोटल 11 थी, उसमें से जो सबसे ज्यादा गैस थी वो कहां थी आपका, नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैसें जो थी उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी आपका, गैसों की थी। और उसके बाद जो गैसें थी आपका अक्रिय गैसें में हीलियम थी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन गैसें हैं। और उसके बाद जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है वो आपका क्या है, सारी गैसें। तो इनकी जो टोटल संख्या वो कितनी है फ्रेंड्स, 11 है। आपको याद करना है कि जो गैसों की कुल संख्या थी आधुनिक आवर्त सारणी में वो कितनी थी, टोटल 11 थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। अब आपको बताने की जो आवर्त सारणी है उसमें जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है, ठीक है, वो है फ्रेंड्स क्या, लिथियम, उसको बोलते हैं आपका लिथियम। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 3। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं आसानी से देखने से आपको ज्यादा याद होता, तो इसलिए मैंने आपका फिगर सहित इसको दे रखा है तो आपका याद होना चाहिए। तो लिथियम क्या होते हैं आपका, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और लिथियम ही क्या होता है, सबसे हल्की धातु, आपको याद कर लेना है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है आपका, लिथियम होती है, लाइट मेटल कहते हैं इसको। और जो आपका मेटल में यानी कि धातु में जिसके सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, सबसे कम घनत्व, सबसे क्या होता है आपका, जिसका कम घनत्व, जो कम घनत्व होता है वो किसका होता है, लिथियम का होता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग किया था किसमें किया था फ्रेंड्स, रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, सन 1817 में की थी, जॉन केट के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है। अब आपको बताना है कि जो आवर्त सारणी थी उसमें सबसे भारी धातु कौन सी है वो बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो कौन सी थी आपका, ओस्मियम, वो आपका क्या थी, ओस्मियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 76। यहाँ पे आपको देख के चमकदार धातु तो दिखाई दे रही है, वो आपका ओस्मियम है। और इसकी जो खोज की थी वो किसी द्वारा की थी आपका, सन 1830 में स्मिथसन टीनेट के द्वारा की थी। और इसमें जो क्या है आपका फ्रेंड्स, 7 क्या हो जाते हैं आपका आइसोटोप इसके पाए जाते हैं, और 6 आइसोटोप क्या है आपका वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए हैं। तो 7 आइसोटोप है वो आपका यहाँ पे दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं, ओस्मियम है 184, ओस्मियम 186, ओस्मियम 187, ओस्मियम 189, ओस्मियम 190, ओस्मियम 192 और ओस्मियम 188। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपका इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स कौन सी गैस नहीं पाई जाती है आपका, रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो फ्रेंड्स जो रेडॉन है वो क्या है आपका, अक्रिय गैस है, ये आपको पता होना चाहिए थी। जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 86। तो यहाँ पर रेडॉन का क्या दे रखा है, यहाँ पे फिगर दे रखा है। तो रेडॉन जो होती है आपका कहां से, प्राकृतिक रूप से अगर प्राप्त करेंगे तो कहां से पाई जाएगी आपका, रेडियम के द्वारा, और यूरेनियम की क्या है, शेष उत्पन्न होती है। तो इसलिए आपका प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाई जाती है। और गैसीय तत्व में, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गैसीय तत्व में अगर पूछा जाए आपसे सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, रेडॉन,
ठीक है। और इसका जो प्रयोग किया था किसकी किसके अनुमापन में किया था फ्रेंड्स, रेडॉन का उपयोग भूकंप के अनुमापन में भी किया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, कौन सा है, ठीक है, जो आपका बताना है आवर्त सारणी है उसमें सबसे क्रियाशील जो धातु अधातु है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है जो अधातु है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्लियर किया जो अधातु है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है उसमें क्या होता है आपका ऋणात्मक तत्व, क्या होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। फ्लोरीन तो सबसे अधिक क्या आपका क्रियाशील अधातु है। और इसकी जो खोज की थी वो किसी द्वारा की गई थी, हेनरी मोशन के द्वारा की गई थी। और इसका जो आपका क्या होता है भौतिक केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट है। और इसकी जो क्या होती है आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व हमारे आवर्त सारणी में कौन सा है, तो कौन सा है आपका आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स इसको हम भी आवर्त सारणी में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आपकी क्या थी आधुनिक आवर्त सारणी थी, जो ग्रुप 17 है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रुप 17, ठीक है, जो ग्रुप 17 है उसमें जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इनको ही हम क्या बोलते हैं आपका हेलोजन तत्व या विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें फ्लोरीन क्या है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है। तो फ्रेंड्स अब हमने इसको क्या देख लिया आपका फिगर में भी आधुनिक आवर्त सारणी में भी देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पौधों के पर्णहरिम में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, ठीक है। अब जो पौधों में जो पर्णहरिम होता है उसमें जो पाए जाने वाला धातु तत्व होता है वो कौन सा होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। वो होता है फ्रेंड्स मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 12 होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो क्या है आपका एल्कली अर्थ मेटल भी इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है आपका एल्कली अर्थ मेटल, कहने का मतलब जो आपका क्षारीय मृदा धातु तत्व भी कहते हैं, ठीक है। और इनको क्या होते हैं आपका किसमें यूज किया था मैग्नीशियम को, डायबिटीज में। और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, ठीक है, जो 2-8-2 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है कितनी होती है आपका फ्रेंड्स, 2 होती है, ठीक है। तो +2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था रहती है। और जो आपका क्या होता है क्लोरोफिल जो होता है हमारे पेड़ की पत्तियों में, ठीक है, उसमें जो आपका क्या होता है मैग्नीशियम आयन उपस्थित रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम से रिलेटेड जो आपका इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने देख लिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। अब बताना फ्रेंड्स जो आवर्त सारणी थी उसमें कुल अधातुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अब हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो अधातु है वो कितनी है फ्रेंड्स, 22 है, ठीक है। जो अधातु है वो फ्रेंड्स कितनी है, 22 है। जितने भी आप येलो कलर देख रहे हैं वो सारे क्या है हमारी आवर्त सारणी में अधातु तत्व है, ठीक है। जो आपका स्काई ब्लू कलर के देख रहे हैं ये सारे क्या है आपका मिक्स, यानी कि धातु और अधातु के बीच जो होते हैं आपका उनको बोलते हैं हम आपका सेमी मेटल बोलते हैं, तो वो क्या है सारे सेमी मेटल कहलाएंगे, ठीक है। बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी और टेलुरियम और एस्टेटाइन ये सारे क्या है आपका सेमी मेटल बोलते हैं, ठीक है, मिश्र धातु बोलते हैं। और येलो कलर के जितने हैं वो सारे क्या है आपका अधातु हैं, और जिनकी संख्या कितनी है, 22 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अब चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी अधातु सामान्य द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आपको बताने की जो कौन सी अधातु यहाँ पे दिया गया, जो आपका ऐसी कौन सी अधातु है जो आपको कहाँ पाई गई है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी होती है फ्रेंड्स, ब्रोमीन होती है। वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जो एटोमिक क्या होता है आपका नंबर होता है वो कितना होता है, 35 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो ब्रोमीन है वो आपके क्या है, इसको बोलते हैं हेलोजन तत्व भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्योंकि क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन सारे क्या कहलाते हैं आपका हेलोजन तत्व। और ये कौन से वर्ग में आता है फ्रेंड्स, 17वें वर्ग में आता है। और ये क्या होता है आपका ब्रोमीन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है, ये आपका क्या होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होता है, ठीक है। तो ये आपका इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने देख लिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। सौर सेल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो सौर सेल होते हैं उनमें जो आजकल प्रयोग किया था वो किसका किया था, वो फ्रेंड्स किया था आपका SI का, यानी कि इसको बोलते हैं हम आपका सिलिकॉन, ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं आपका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का क्या होता है आपका सूत्र SI, और सिलिकॉन जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का जो प्रयोग किया था वो फ्रेंड्स किसी लिए किया था, गैलियम आर्सेनिक और बोरॉन आदि के साथ इसका प्रयोग किया था एक तो, ठीक है। और इसका जो प्रयोग किया था किसमें,
सौर कोशिकाओं और ट्रांजिस्टरों के भी उपयोग में किया था। और आजकल मोबाइलों के चिप में जो भी बनती है वो आपका किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। और सिलिकॉन का जो प्रयोग किया था वो क्या है आपका, एक तो इसको क्या बोलते हैं आपका अर्ध धातु, यानी कि हमने बोला था आपका सेमी मेटल इसको बोलते हैं, तो इसलिए क्या है आपका अर्ध धातु, ठीक है, अर्ध धातु है। तो इसका किसका प्रयोग किया था, इसको मोबाइल की चिप बनाने में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है, तो सूर्य है आपका वो किन तत्वों से मिलकर बना फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और हीलियम। और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं आपका, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन है होता है वो कौन से वर्ग में आता है, फर्स्ट वर्ग में आता है। जो हीलियम होता है वो कौन से वर्ग में आता है फ्रेंड्स, 18वें वर्ग में आता है। और हीलियम को ही क्या बोलते हैं आपका, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ये इससे रिलेटेड क्या थी आपका इंपोर्टेंट फैक्ट देख लिए हमने फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो कौन सा है आपका, थोरियम है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा पाया था वो क्या आपका रेडियो एक्टिव तत्व, थोरियम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सा तत्व है आपका, रेडियो एक्टिव तत्व है। और इसका जो उपयोग होता है वो किसमें होता है फ्रेंड्स, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो होता है ग्लोब ट्यूब इलेक्ट्रोड में। और एक्सरे टारगेट की क्या है आपका, और आर्क लेंथ की क्या होता है आपको, जो फिलामेंट होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका कार्बनिक रसायन के उत्प्रेरक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका क्या है, थोरियम है, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 90 होता है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये आपका क्या है, थोरियम है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, थोरियम के अयस्क का क्या नाम है। अब जो थोरियम लिया गया था उसका जो अयस्क है वो कौन सा है वो आपको बताना है, वो है आपका क्या, मोनोजाइट। तो थोरियम की तो अयस्क बहुत है आपका, लेकिन क्या है आपका, जो मोनोजाइट है उसका मेन अयस्क है। जो थोरियम अयस्क है उसकी जो खोज की थी किसने की थी आपका, 1828 में की थी, किसने की थी आपका फ्रेंड्स, बर्जी लियस ने की थी, ठीक है। और इसको बोलते हैं आपका थोराइट अयस्क भी किया था। ये आपका जो देख रहे हैं इंडिया का मैप है, यहाँ पर जो आपको क्या दिखा रहे हैं ब्लैक चित्र के तहत, यहाँ पर क्या दिखा, क्या पाया जाता है आपका, थोरियम पाया जाता है, ठीक है। और इसको आपको क्या कहते हैं, मोनोजाइट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया से करके क्या बनाया जाता है, थोरियम फॉस्फेट का अवक्षेप बनाया जाता है। ये भी आपको इसी रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो याद होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, ये इस वीडियो का फ्रेंड्स आज आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। ये आपको मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो मनुष्य होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कौन सा होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन होता है। और ये आपका क्या है, जो ऑक्सीजन है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 8 होता है। और जो आपका एनिमल और प्लांट होते हैं उनके लिए तो क्या है आपका, ये फ्रेंड्स किसमें आता है, रेस्पायरेशन में। और जो आपके क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है, एक तो कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है और टेस्ट लेस होती है। जो आपका लिक्विड में जो आपका ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है, और सॉलिड में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो कैसी होती है आपका, पेल ब्लू रंग की होती है, यानी कि जो कैसा होता है आपका आसमानी रंग, उसका क्या होता है आपका, ब्लू रंग होता है, तो उसके वैसी पाई जाती है, ठीक है। आपका जो ऑक्सीजन होती है उसमें जो अदर कलर में भी पाई जाती है, जैसे रेड पिंक ऑरेंज और ब्लैक में भी पाई जाती है। और ये क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है, ठीक है। और हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा वो कितनी है फ्रेंड्स, 21% क्या पाई जाती है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो इससे रिलेटेड क्या थी आपका, जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने देख लिए फ्रेंड्स। अब हम आपको जो पिछली वीडियो थी आपका, उसमें हमने आवर सारणी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका कि आपका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो आप ये देख लीजिए एक बार, आवर सारणी में मेंडलिफ के नाम का कौन सा तत्व उपस्थित होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेंड्स 101 मेंडलियम है। तो ये आपका कौन सा तत्व है आपका, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, मेंडलिफ की जो मूल आवर सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी, जो मेंडलिफ की मूल आवर सारणी थी उसमें जो तत्वों की संख्या थी वो कितनी रखी गई थी, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन देखा है 68, 58, 63 और 70। तो आपका हमारे कमेंट बॉक्स में आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और आंसर बताने की पूरी कोशिश कीजिए, जितना आप लिख देते हैं वो आपको आसानी से आ जाता है, तो इसलिए आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।